कहां से लाया आते इतनी सोनी बहू ढूंढ के? मुझे तो भाई ना आयु ना हाथ पैरों से मजबूत, गिलगिली सी नुई, ना चलना आवे ना ढलना आवे इस पे। आंखों से और अंधी दिखे है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कम भी दिखता दिखे है। इसो बुढ़िया की बुढ़िया यहाँ लाके धर दी। जो उनसे मर्द है ना तेरा, वो बता, वो तो बता नहीं रही। और कसर काट तो जब के चाह कि तेरे धन की जरूरत है तो जब तू हमें नहीं बता। हाँ तो बस यही उल्टी चौथी बात धन की। अरे कहीं रंग रूप की भी तो होनी चाहिए। हर वक्त तो चश्मा लगाए फिर जाए अंधेर की तरफ, मुझे ना भाई यही बहु। अरे माँ तू खामी खा की बात तो करे मत। वो चश्मा फैंसी लगावे है, उसकी आंखों में ना है कोई भी दिक्कत। तू इसकी दिक्कत कोई नशी मंज रहा, सारी दिक्कत धन की है। इसके आगे धन की आग इसे नुचारक वाले का 2 करोड़ रुपए हेलीकॉप्टर मंगा ले उस पर। अरे उसमें कुछ कमी नहीं है, मानस वाली बात कर ले। ये भी अंक की कमी काट के बैठी है उसकी। जब उसकी सीमेंज मारी उसकी राजी होगी। इतना की दिमाग खराब रखे सारा दिन अपना भी मारा। मम्मी जी क्या बनाऊं खाने में? ये सब्जी बताऊं तुझे? बैंगन बताऊं उसमें तुझे गिंडार ना दिखेगी? गोभी बताऊं उसमें तुझे गिंडार ना दिखे? भिंडी बताऊं उसमें तुझे गिंडार ना दिखे? और के राम देगी तू? दाल दपाल में बताऊं तो उसमें तुझे गिंडार ना दिखेगी? दिखने का ही ना तुझे कुछ, क्योंकि तू तो खुद आंखों से अंधी है। धरी गई अंधी आ गए मेरी छाती पे। मम्मी जी मुझे दिखता तो है चश्मे से। तुझे तो दिखे हैं सारे लंबे लंबे सांप, तू बना लेना। बात बता रही आंख कटवा देगी क्या उसकी? तू उसे सारी चीज दिखे, तू जोड़ रही अपनी डबते किसे वो नहीं दिखता नू नहीं दिखता। उसे सब्जी बता दे, सब्जी पूछ रही वाह फेन क्या कि मेरे तो कुछ पूछती नहीं। और फिर तू बना ले, तू यही ना आगे 25 साल से खा रहा मेरा हाथ की रोटी, जहां ना भरा अभी मेरा हाथ की खाते हुए मैं ही बना के खवाती रहूंगी बुढ़ापे तक तुझे रोट। तू बना ले बेटा, जो तुझे बढ़िया लगे वो बना ले जा। मैं तो देखने देखने की कह रही थी, सुनता भी ना है। सुन रही है भी तेरी आ रही सुनाई से? आंखों से अंधी है, कानों से भैरी है, और हाथ पैर से ऐसी मरीज जिसे जा टीवी का मरीज रहे, ढील ढीली बिल्कुल। कहां से बबाल मारे घर में बढ़ गई यू आके? और यू है जो अभी कुछ है, यू लाया कबाड़ उठा के ऐसा घर में, इसे लुगाई ना मिलती। छोरी मारी गई सारी दुनिया में। बेटा जा, जा कर ले अपने। वह जो कुछ पूछना ही थी उसका बताने का यही तरीका था। मैंने कह रही तू बोले मत ना, मेरी दाई माँ आग लग रही है देख देख के। ये तू खामी खा की बात तो करे ना। खामी खा की सारे हिसाब लगाओ बैठी, छह बतावे आगे की सुने या किसी की? अरे जाब काम पे तू भी यही बैठा रहेगा, कुछ करके भी खाओगे ना? तब मैंने जाना खेत पे, तुम से अलग क्या हूँ या काम करने को तो किसी का जी ना करता ना। काम तो बस तू कर रही, यू ही शुक्र है। तू बता दे सब में के कमी हैगी, सारी लिखी बैठी। सब खून के प्यासे हो रहे हैं, मेरा तो सिर फटा जा रहा है इनके ये हुनर देख देख के। आंखों की अंधी, तुझे कोड़ा ना देख रहा कितना पड़ा? तू तो बिल्कुल ही फोड़ी है, तेरे पे तो कुछ भी नाता करना। कुछ सिखाया तेरी महतारी ने ना सिखाया? बे बाल से कटवा कर लगा के चश्मा बन गई हीरोइन। रहन दे तेरे पे ना झाड़ू वाड़ू लगानी, उन कपड़ों की तय कर ले। तुझे ना दिखता कुछ भी, तू तो निपट अंधी है, तुझे कोड़ा ही ना दिख रहा धरती पर पड़ा हुआ है, और क्या दिखेगा तुझे? झाड़ उठा पहले यो। एक तरफ धरी सिंह धर, झाड़ धरने की भी अकल ना, बीच में छोड़ के बगली तार के लगा कपड़े तय लगा उनकी। अरे पता ना क्या पैरा है मुसलमान नहीं भर गई हो सहंगा सा, तमीज का कपड़े पहन ले, मारे ने पैर था कोई ना, ये पैर रखे मुसलमान ने भर के सहंगे से ही। देखो गेर दी मेरी साड़ी नीचे, इसे ना तक खा कुन्नर भी, पता लगता भी ना होता रे तार पे से इस पे कम मखत पे। ना लाके धर दी वसैनी, ना झाड़ू लगानी आ रही, ना इस पे कपड़ों की तय करनी आ रही, कुछ भी दुखिया पे। कद्दा काम तो करम जाए ढंग का कर ले कर। नू क्या मुझे दिखे है? देखे सारे में कैसी मक्खी बिना करी है यहाँ? हैं? रोटी बेल ली है देखी? ये हाल मच रहा। ना गैस साफ है ना भगवान है। ना ना मारा जन्म दुखी कर दिया। तेरे बनाता खा खुन्नर भी। हराम खा
खाना जर काय पे लीज गए से बोरी बंदरिया पे गुस्सा तो है सारा का सिलेंडर से बांध का आग लगा दू तेरे जैसे तेरा हुनर है ये सब अटका रखे हैं यहाँ पता नहीं केबिल से पकड़ के मारेगी कि बिजली से मारे झुकमा होगी यहाँ फिर तो दही बनाई नहीं बिन्ने एक मतलब मारते की सर एक काम जो तेरी इसके समझ में आ रहा हो देख ना जाके फिर कैसा कर रखा है सोचो अरे खेल भी जा हां जान ऐसी कोई बात नहीं होती अरे उसे दिखता ही ना है आंधी है आंधी हाय समझ में क्यों ना आ रही बात उसे दिखता ही ना कुछ इसना कटवा दे बात ही ना समझ में आ रही उसे कह देगी कि तू उसकी समझ में आ रही तू खाना खा के अपने जीवन में कीड़े मत गिरे मेरे मुंह ना गिरवा दे न्यारा कर दे तो सर हम तो अपनी दो रोटी पोका खा लेंगे हमारे पास की नाये देखने हुंदा हाँ बहुत बढ़िया पी लीजिए बेटा एक गिलास पानी लिया ले पानी पी ले पसीना रहा है आप खोल कर देख ले इसमें कितना कबाड़ा पड़ा इसमें जहर पड़ा पर हम पी मांगे तेरी समझ में नहीं आती कोई बात पी ले हाँ पी लेंगे ले। कितना कबाड़ पड़ा पी जा गंदे को ले जैसे धो लिया पर एक और बट ले ठीक है इस पे एक काम ढंग का नहीं होता ये कैसे कहूँ मैं सर इसकी महतारी ने भी कुछ सिखाया सर मेरे घर को ताह दी है ये बात तो राम तभी बता सके तू किराए की लेनी गया मैं कहीं थे अब जो तू नहीं बता सकती सर कुछ ना मेरे बस की ना कुछ भी सिखाना सर ना सिर में दर्द कर दिया ने तो मेरे सारी ट्रेनिंग तेरी ले रखी और तो बावली अंडे हर बताए बाला क्या कर लेगी मेरा तो लुट गया लौंडा बहुत बात बता दी मैंने सर तन मनसिया का नाम उठड़ी हो रही है कुछ सिखाया ना सिखाया इसकी माँ ने तेरा तो हो लिया सिर में दर्द तेरा कैसे बैठ के ये बात हो गई ते भाई क्या होगा ऐसा क्यों बैठी है बस होगी जो बात है गलती हो रही है मुझसे वो भुगत रही हूँ अरे कोई गलती ना है तू बात तो बता क्या बात है मुझे बता क्या बात होगी बताऊँ जो तुम मुझे पहले बता देते कि घर में झाड़ू पोछा बर्तन सब करना पड़ेगा तो मैं तुमसे शादी क्यों करती तुम्हें इतनी पढ़ाई क्यों करती तो फालतू की तो बात करना और घर में काम के हों यही तो हों मम्मी जी को ये समझा दो जो काम कराना है वो तरीके से कराए हर काम बताने का तरीका होता है काम करने के लिए मना थोड़ी कर रही हूँ हर बात में तो वे मुझे अंधी बताती है ये चश्मा मुझे पढ़ाई की वजह से लगा हुआ है क्या वे मुझे अंधी अंधी करती रहती है अगर मेरा एग्जाम क्लियर हो गया ना तब बताऊंगी इस चश्मे की क्या वैल्यू है तू टेंशन ना ले मम्मी की तो आदत है ये मैं समझा दूंगा उन्हें मम्मी बहुत साफ सफाई वाली है चल मैं कहूँ मम्मी से तू आराम कर मम्मी सावन दिन इसके पीछे क्यों लगी रहे तू मेरे कान खाए जा फिर बहुत पढ़ाई कर रखी है इसने मैंने नौकरी की वजह से ब्याह करा इसने फार्म भी भर रखा एक चीज नंबर आ जाएगा बढ़िया हो जाएगा हिसाब मैं नु कह रहा आई तो नहीं होगी इसकी बात तेरी समझ में जो इसने बताई इतनी सफाई भी दुश्मन हो जा जितनी तू चाह रही इसे कम करवा दे और जो कुछ भी करवाना तू भी ना करे तू हमें बता दे हम करें पर जी अरे ऐसा ना तो एक लखन भी पढ़े लिखे होंगे तो वे काम ना करते हैं अरे जब इसने अपनी माँ के लिए काम कराई ना है तो इसे क्या पता काम कैसा होया करे तू कितना ही सिर पटक लिए जो इसकी सीमेंट मार ले इन अनपढ़ों की सीमेंट में कुछ आया के मिस्त्री हो ये मिस्त्री वह पढ़ रही सारा काम ठीक हो जाएगा फिर तेरे थी पूछ के चलेंगे सब फिर सब ठीक हो जाएगा चलने दे सर तेरे थी पूछ के करेंगे सारी सफाई करना
कर लियो जैसा करो, देख लूंगी कौन सी नौकरी लग जाएगी इसकी। पढ़ी लिखी हो रही है तुम्हारी, इसे पता ना परवा पछवा की कर लेगी नौकरी, देख लेंगे कैसी नौकरी करेगी, काहे की नौकरा करेगी। हे भगवान, पता नहीं मेरा इस जेल में से कब पीछा छूटेगा, कब मेरी नौकरी रहेगी। दिख रहे वैसे तुझे इस महाराज हैं? तू आंखों की अंधी, इस किताब को उठा के धर दे, ना पढ़ेगी तो पढ़ लिख के डिप्टी। अरे धर दे इस किताब को उठा के और काम वाम कर ले, कुछ सिखा दे सही सिला, पढ़ लिया तेरी, चल देखो पढ़ के तू करेगी। यहाँ भी किताब पे बग रही है टिनक के, किताब ही तो लेगी छीन के, कुछ और तो ना लेगी तुझसे। अरे मैं तुझसे माफी मांग रहा हूँ, मेरी माँ का तुझे स्वभाव की पता है कैसा है, तू कहाँ जा रही है मुझे छोड़ के घर। सुनो, हाथ तो मैं ही जोड़ रही हूँ, तुम अपनी मम्मी का बर्ताव देखो, तुम्हारी मम्मी क्या बर्ताव करती है, ऐसे थोड़ी होता है। अरे तुझे पता मेरी माँ कैसी है, फिर भी तू समझ ना रही। अरे देवी मान जा, तू कहीं ना जा। जोड़ रहा हूँ ऑफिस का आगे, रह शर्म कर ले शर्म नालायक, लुगाई का आगे हाथ जोड़ रहा तू, और तू बैठी बैठी हाथ जुड़वा दी मेरे छोरे से, आज को तो इससे हाथ जुड़वा रहे कल को मार से जुड़वाई है, मुझे जरूरत ना है सिवा निकाल को भगा इसे ऑफिस से। अरे मैं इसे थाम रहा हूँ, तू भगान लग रही है इसे, तू मेरा घर पसंद देगी या ना पसंद है तू मुझे तू बता दे आज। इसके भरोसे तो घर परेशान है दी, या मेरी गारंटी तो बस रहने दे, मैं सारा ड्रामा देख डाल दिन देगी। मैं चली जाऊंगी इस घर को छोड़ कर, तुम दिन में यहीं रहने फैले फिर रही हो। अरे तू क्यों जाएगी इस घर छोड़ के, मैं जाऊंगा। के ऐसा गुनाह कर दिया इसने जो तेरी समझ में आई नहीं रही कि इंगित में। अरे हाथ जोड़ रहा छोरा इसका आगे, हाथ जुड़वाए बैठती है, कल से तुम समीर से जुड़वाओगे, ये तो नुटाएगी मेरे पैर भी, दाब पर मेरे पैर पूछो, इसके पांव पूजो महारानी के। पापा जी ऐसी बात नहीं है जैसी मम्मी समझ रही है। इसे बताएगा कोई फायदा नहीं, तू मुझे बता के दिक्कत। पापा जी दिक्कत कुछ नहीं, मैं पढ़ रही थी, मम्मी ने आके मेरी किताब छीन ली, बताओ कौन सा तरीका है। सिमित में तेरी अवेनी बताना मुझे पड़ी गया, किताब कोई तो बड़ा के हाथ में दिया करे पढ़ ले, और तू छीन लेगी। अरे शुक्र मान इसने फार्म भरा क्या पढ़ी ली की घर में और किताब छीन ली उसको। मैं मार रही हूँ इसका सींग, मेरे से दिक्कत हो रही है ना, तो सब है न्यारा कर देना दोनों को बस, मुझे दोबारा ही लाख नहीं दिखा। अरे माँ अगर जो तू इस काम को करके खुश रहेगी ना तो कर दे न्यारा। होगी खुश? हाँ होगी खुश। हाँ तो ठीक है भाई, लगो अपने काम खत्म कर लो, या कुछ होनी चाहू कर दी, इब तो टेंशन फ्री हो गई, इब जा कर भी रोटी तो बना लेंगे। बना लूंगी बना। क्या बात? बच्चा नहीं के पास। क्यों? ओए बाबूजी कहाँ चला? दावत देकर नहीं है, तेरी वो कर ही जलता आ गया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है मेरी नौकरी लग गई। नौकरी लग गई तो फिर तू क्यों उठाए खड़ा इस बैग को, चल अंदर धर। अब नौकरी लगी तो बैग अंदर धरूं, जब तू किताब भी छीन रही है। अरे बेटा तू मेरी बात मान ले, तू ना करा करते हैं। अरे बेटा इस पर घर का काम ना रहा तो मैं काम ही तो सिखा रही ही सा। चल ठीक है, अब नौकरी लगी ये नौकरी कर लेगी, मैं अपना घर का काम कर लूंगी, इससे बढ़िया बात क्या है। अरे मान ले, ठीक कह रही तेरी माँ, आज पहली बार तूने समझदारी की बात करी, इसे तू ना मान लिया बस फिर बाकी वही रह। ओ भाई तुम सारे सही कह रहे, तुम दावत का जुगाड़ कर दो। अरे दावत मिल जाएगी तुझे, तन्ना भला फिक्र करा, दावत दे भाई छोरा। दावत देंगे, मैं कह रही हूँ हिसाब से लिख लेते फिर भूल भाल जा। काहे का हिसाब? जो भी हमें पैसे दे ले उठे। अच्छा चल लिखवा। बता। 1100 रुपये तो कन्यादान में करे, 500 रुपये फूल सिंह की लौंडिया को दिए, और 5000 रुपये थारी बहन को दिए,
100-200 रुपए मेरे पे वैसे उठ गए होंगे, छोरी छार इनको 10-10, 20-20 रुपए देने को। चल ठीक है, और बता। बस इतने ही उठे, जोड़ लो क्या 1000 हो गए। टोटल तो बहुत होगा, इतना खर्चा करेगी तो कैसा काम चलेगा। अरे माँ क्या कर रही है, तुझसे तो कुछ बात करनी है। हाँ बता बेटा क्या बात करनी। पैसे से जुड़वा रही है जो भी हमें खर्च हुई है। अच्छी है, हिसाब किताब जुड़ रहा तो ठीक है। तू बता तू क्या बात कर रहा था। मैंने कह रहा आज प्रियंका को भी ले जाता दुकान पे, को इसका भी जी सा बहल जाता। ये दूध पीती बालक है के जो इसका जी बहल लगता फिर है। तू काम कर लंदे घर में उसे। ना बेटा ना, नई नवेली बहू है, घर से बाहर जाती बेटिया ना होती। अरे दुकान पे जान कैसे कैसे आदमी आवे। तुम दोनों कैसी बात कर रहे हो, वो मेरे साथ जाएगी तो थोड़ा सा टाइम भी बिता लेगी और काम सीख जाएगी, काम में मेरी मदद हो जाएगी। ले जाबा जब तुझे ले जानी है तो, फिर मार दे पूछ क्यों रहा। देख रहे हो सर, अरे जब तुझे मारी माननी ना है तो फिर जा क्यों बैठा हमारे दौर है, ले जा जहाँ तेरा जी करे, लगा मार से बूझना। अरे माँ तू कैसी बात कर रही है, तू घर की बड़ी ना, तुझसे बिगर पूछे कैसे ले जाऊंगा मैं। बड़े तो खेत में डले भी पड़े, घनी बड़ों के बात मान रहे हो तुम। अरे भगवान ही तो ले जाओ गई ना, मारी मान नहीं हूँ, जल ले जा भाई। प्रियंका आ जा, कह दी मान है, चल रहे। अजी आज रहने दो जाने के लिए, जब माँ मना कर रही है तो कोई बात नहीं। ना बेटी मैं ना कर रही, तेरा जी कर रहा जाने को तो चली जा। नहीं माँ आप मना कर रही हो तो मैं नहीं जा रही जी, आप चले जाओ। अरे तू चले अभी। देख रही आजकल का जमाना, मारे सामने हाथ पकड़ के ले गया। कोई बात ना ले जान दे, अरे अभी नई नई शादी हुई है, घुमा लाओगे दिखा लाओगे दुकान। अब कुछ काम धंधा कर ले तू भी, मैं खेत तोड़ को जाऊं एक बार। देख आओ जाओ। एक सबुन दे दियो। ले वेला साबुन, एक रस का पैकेट और दे दियो। यहाँ ना कुछ भी चल निकल। अजी क्या हो गया, आपने उन्हें ऐसे क्यों भगा दिया। अरे साले की निगाह गंदी ही, तुझे देखे ही जा रहा। अरे पिताजी सही कह रहे हैं, लोगों की निगाह ठीक ना होती है, आज के बाद ना लाने का हूँ मैं तुझे यहाँ। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, ये सब देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है कसम से। चल अब टाइम हो लिया घर चल। चलो जी। राम राम प्रधान जी। राम राम जी। राम राम प्रधान जी। चोखा हुआ आप मुझे मिल गए, मैं तो आपके घर ही जा रहा था। अरे भाई ऐसी क्या बात हुई। प्रधान जी हमारा लड़का आपकी दुकान पे सामान लेने के लिए गया और आपके मोहित ने हमारे लड़के को भगा दिया जी। ठीक है भाई तू बुरा ना मानना, मैं घर जाकर तसल्ली करूंगा, बुझूंगा उससे। ठीक है जी। आली खेत पे से। खेत पे से तो आ लिया, पर मुझे तो जिस बात का डर था वो हुआ। के बात होगी। रामपाल मिला था खेत में, फिर वो तो लाना लेके घर ही आ रहा था, चोखर है मन ने वही बात निमटा दी। अरे कुछ हो भी गया, कुछ बताओगे भी। अरे उसका लड़का गया था हमारी दुकान पे सामान लेने, और इसने मोहित ने ना तो सामान दिया और मुझसे भगा दिया, पता ना ऐसी क्या बात होगी। आ जान दो तो मोहित से पूछ जाएंगे हम, सामान क्यों ना दिया छोरे को, कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी जब भगाया होगा उसने, इतना तो पागल लाऊं जो वैसे भगा देगा। क्यों आया ना अभी वो। आ तो गया पर मुझे लगा बाहर को गया दिखे। अरे क्या बात होगी जो क्यों भगा देता ना उसका रामफल का लौंडा दुकान पर से। अरे मां कौन सी आफत आ गई। अच्छा रे आफत बता रहा। रे हमें तो न्यू बता, रामपाल के लौंडा को सामान ना दिया था ना, क्यों भगा दिया मतलब। पिताजी तुम भगाने की बात कर, मैं उसे साले को मारता, प्रियंका पे गंदी नजर डाल रहा और सामान तो मैंने दिया उसे। रे मारे सुसरे मैं तुझे पहले ही समझा रहा था, अब बहु बेटी को बाहर ले जाना ठीक ना, दुकान पे अच्छे बुरे सब तरह के लोग आवे, पर तुम हमारी बात मानो कहाँ हो।
पिताजी आप इन्हें क्यों डांट रहे हो, गलती तो उसकी थी ना। बहू तुझे मैं नुई नाई कर रही थी दुकान पे जाने की नहीं हो। अरे तेरे पिताजी आज तक ना ले गए मुझे दुकान पे, हमें पता है ना वो अच्छे बुरे आदमी आम है, ससुरन की कैसी कैसी नजर रहे। पर तुम मानो कहा हो मारे, हाथ पकड़ के खींचो लेगा ही तुझे, फिर क्या कहते हम। माँ जी आप ठीक कह रही हो, लेकिन हमें भी पता नहीं था कि हमारे साथ दुकान पे ऐसा होगा, पर अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। घेर में गुजारे हो चाय मंगवाऊ? मैं तो घेर में गुजारा हूँ, मेरी रोटी भिजवा दी, चाय का टाइम ना हो। ठीक है बेटी, मैं नू कह रही हूँ जिनके घर में ना है मर्द मानस उनकी तो मजबूरी है बहू बैठ जाए जा दुकान पे। जब हमारे हैंगे बाप बेटा दोनों करने धरने वाले तो हमें की जरूरत है दुकान पे जाने की। तू आराम से अपना घर का काम कर, घर में रह, तेरे ससुर ना कभी दुकान पे ना बैठाई मैं, उन्हें पता है अच्छे बुरे आदमी आवे दुकान पे, इसे मारे तो रोक रहे थे वे। ठीक है माँ, चलो मैं चाय बना के लेकर आती हूँ। ठीक है बना ले जा। प्रियंका, अरे मेरा फोन ला दा, लेट हो रहा हूँ दुकान पे को। ला रही हूँ। अरे कहाँ रह गया, आ जा जल्दी। लो। ठीक है ध्यान रखिए अपना है। वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बता क्या बात है। वो ना मुझे बाजार जाना था, कुछ सामान लेकर आना था, सामान ना खत्म हो रहा है घर का। अरे मुझे ना है टाइम वैम, माँ की गैल चली जाइए, पैसा दे दूंगा। पता नहीं आजकल ज्यादा ही बिजी रहने लगे। पैसे दे दूंगा। अरे पैसे तो दे दोगे, लेकिन जो मुझे उनका साथ चाहिए वो कहाँ से लाऊंगी मैं। सबसे पहले तो पति का साथ पत्नी को चाहिए, ये तो पत्नी के लिए बहुत बड़ी खुशियाँ होती हैं, ये छोटे छोटे पल, पर ये कभी नहीं समझते। हाँ भैया, हाँ सब ठीक ठाक है यहाँ तो, वहाँ भी सब ठीक है। अरे प्रियंका रोटी ले आइए। अरे प्रियंका को बुखार हो रहा है भैया, मुझे ही बनाना पड़ेगा आज खाना, वो तो सवेरे से नहीं पड़ी है। बुखार हो रहा तो दवाई दिवा लगती। अरे उठा जा रहा ना उससे, मैं कहाँ ले जाती, अब तू दिवा ला उसे दवाई जाके, जा इतना मैं रोटी बनाऊ। हाँ दीपक। अरे किसका फोन आ गया, दो फोन लेकर चल दिया, जो बात मैं कह रही हूँ उस पर तो ध्यान दे रहा ना, ये छोरा भी सुनता ही ना, कैसे कहूँ। ये इंसान कितना बदलता जा रहा है, मुझे डॉक्टर को दिखाने से तो दूर, उससे आकर ये तक नहीं पूछा कि तेरा बुखार ठीक है या नहीं, या मैं डॉक्टर के पास लेकर जाऊं। इनके ये बर्ताव से तो मुझे ये लग रहा है कि इनकी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। अरे मेरी बाइक की चाबी कहाँ है? अजी मुझे ना पता। अरे ढंग में भी बोल ले, ये मुंह फूला रहा है तेरा हरदम। क्यों, तुम्हें मेरे मुंह से क्या दिक्कत हो गई? हरदम उल्टी बोले जाकर, पता ना कहां से रखी गई मेरे करम में। इन्हें मेरा चेहरा तो फूला हुआ लग रहा है, पर ये जानने की कोशिश नहीं करी कि क्यों फूल रहा है। अपनी पत्नी की चेहरे की खुशी दुख गम सब अपने पति के हाथ में होता है, अब वो चाहे अपनी पत्नी को कैसे भी खुश रखे, पर शायद अभी ये मुझे समझ ही नहीं पाते। अरे बेटी तू क्यों लगा रही झाड़ू, तेरे तो वैसी तबीयत खराब हो रही है, है? जा तू आराम कर ले, मैं लगा लूंगी, चल। अरे नहीं माँ जी, कल से आराम ही तो कर रही हूँ, सोचा थोड़ा बहुत काम है वो ही कर लूं। ले ना मान रही तो लगा ले झाड़ू फिर। जिसे मेरी कदर करनी चाहिए वो तो मुझे पूछ भी नहीं रहा कि मेरी तबीयत कैसी है। बेटी एक बात पूछूं, बुरा ना मानने तो। जी माँ जी पूछिए, भला मैं आपकी बात का क्यों बुरा मानूंगी। मुझे आजकल तो खुश सी नजर नहीं आ रही, कुछ बात है के? बात हो तो बेटी तो मुझे बता के बात है। ना माँ ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, तो आपको ऐसा लग रहा होगा। बेटी तो खुश रह कर, तू हमारे घर की रौनक है, तू खुश रहोगे तो हम भी खुश रहेंगे तेरी गैल। चलो माँ जी मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। चल आ जा।
दादाजी, अरे क्या हुआ आपको? क्या हुआ? हाँ? चलो, हमसे कैसे लगवा लिया आपने ये चोट? अरे एक मार का बाइक वाला। देख के नहीं चला गया होगा ना आपसे? चलो आराम से, चलो यहाँ बैठो। कैसे चोट लग गई आपको? हाँ? अरे तू मेरी छोड़, तू बता तू क्या करना है यहाँ? अरे मैं तो घर में झाड़ू लगाने आई थी और भैंसों को पानी पिलाने आई थी, पर तुम मेरी बात मत काटो। ये बताओ तुम्हारे पैर में चोट कैसे लग गई? अरे एक बाइक वाला मार गया यार। ये भगवान, और तुमने वहीं से वहीं डॉक्टर को भी ना दिखाया होगा। यार प्रियंका तू कितनी अच्छी है, तू मेरा कितना ख्याल रखे है, और मैंने तेरी तन सी भी कदर ना करी। अच्छा तुम ये बात छोड़ो, पहले अपने आप को डॉक्टर को दिखाने चलो। चलो जल्दी से, आराम से। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई, राम राम राहुल, आजा। ठीक हो? हाँ भाई ठीक है, बैठ चल तू। भाई राजी खुशी सब? सब ठीक है, तुम बताओ। बढ़िया है। वो एक काम था प्रधान जी तुम्हारे से। क्या काम था भाई? 1000 रुपए चाहिए है, पिताजी ने मंगाए है। 1000 रुपए ले जिए तो दे दो। तो जल्दी दे देंगे। दे दियो। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा जी नमस्ते। यार आज तो फिल्म देखने का मन कर रहा है, पर क्या करें, फिल्म देखनी है, बहुत बढ़िया फिल्म लगी है और मजा आ जाएगा फिल्म देख के, पर पैसे का जुगाड़ नहीं हो रहा यार, क्या करें? पैसे यार, पैसे का जुगाड़, ओए ले हो गया पैसे का इंतजाम। सामने से देख राहुल आ रहा है। अबे गुरु मजे आ जाएंगे अब तो, राहुल आ गया, आ जान दे। चल चल आ मिलते हैं इससे। हाँ भाई राहुल क्या हाल है? भाई राहुल बस बढ़िया। भाई तुम बताओ। एक बात बताओ यार, एक बात है यार, बहुत बढ़िया फिल्म लगी है और देख के मजा आ जाएगा गुरु। सच में बहुत मजा आ जाएगा फिल्म देख के। चल रहे हैं देखने बस। अरे यार मैं अभी अभी तो पैसे इनका जुगाड़ करके लेके आया हूँ, अब तुमने फिल्म की कह दी। ऐसे कैसे काम चलेगा, फिल्म देखे बगैर तो मन नहीं लगेगा। आज मजा आ जाएगा, फिल्म ऐसी लग रही है, बस दिल खुश हो जाएगा। सच में? हाँ यार चल। पिताजी से पैसे मांगू, पिताजी नहीं देते, अब जैसे तैसे तो जुगाड़ कराओ। हो गया ना जुगाड़? भाई तेरे पास जुगाड़ हुआ नहीं हुआ पहले ये बता। तो चल रहे हैं। बस यार ये 1000 रुपए लेकर आया हूँ। आए कहाँ से? ये भी बहुत मेहनत से कमाए। मेहनत? और तू? यार किसी का पागल बनाना भी मेहनत से कम है क्या? किसका बना दिया? अरे वो प्रधान जी ना है। तुझे पता मेरे पिताजी पैसे दे देते ना, एक नंबर के कंजूस है ये तो है। अरे अपना जुगाड़ मैं खुद कर लूं। अरे चल इतने में तो जुगाड़ हो ही जाएगा। चल तो चल देखने चलते हैं। चल और महावीर? हाँ आओ जी। आ गए जी, बैठो जी। कैसे आए जी? आपका लड़का 1000 रुपए लेके आया था जी। 1000 रुपए मुझे तो बताया ना उनने। राहुल आया था जी। राहुल 1000 रुपए लेके आया? अच्छा जी। काफी टाइम हो गया अब तक लौटाए ना? काफी दिन? इतने कितने दिन हो गए? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए, मुझे तो बताया ना उनने आके। तुम पूछो अपने लड़के से। आपके नाम से लेके आया था 1000 रुपए? दो ठहरो मैं पूछता हूँ उससे। देखो अब क्या करके आया है वो। क्या कर आया है वो? 1000 रुपए लेके आया इनसे। तुमने क्यों दे दिए जी उसे 1000 रुपया? वो तो आवे जावे था, हमने दे दिए 1000 रुपए। ले भाई ले जा तू।
और महीना हो गया। देखो जी, हमसे बूझ के पैसे देख रो, एक तो पहले से बिगड़ा हो रहा है, ऊपर से तुमने 1000 रुपए दे दिए। कम से कम हमसे बूझ तो लेते, तुमने बिगर बूझे 1000 रुपए पकड़ा दिए। अब एक महीने से ऊपर हो गया, अब तक लुटाए ना। तो तुम बूझते तो सही, पैसे मंगा रहे ना मंगा रहे, तुमने बिगर बूझे उसे पैसे पकड़ा दिए। कम से कम हमसे बूझ तो लेते हैं। तुम बहुत बढ़िया जी, हमारे बालकों को बिगाड़ रहे हो पैसे दे दे के। इतनी बड़ी कोठी बन रही है, हमारे पैसों की कमी है क्या है? और फिर पैसों की जरूरत होगी तो हम मांगेंगे, तुम हमें दोगे पैसे? अब हमें क्या पता, उसने मांगे थे 1000 रुपए, मंगा रहे, मैं कर ले जा भी। अब तो मैं दे दूंगी तुम्हारे 1000 रुपया, पर आज के बाद मेरे बच्चों को पैसे मत दे दियो। ठीक है, अब नहीं देने के। और खास तौर से राहुल को तो दे ही मत दियो। देने के। चलो भिजवा दूंगी मैं तुम्हारे शाम तक 1000 रुपया। हाँ, भिजवा दियो। राम राम जी। राम राम जी। लो खाना। क्या खाना खाऊं, इस लौंडे ने तो दुखी कर दिया। कोई बात ना, सुधर जाएगा सब, अभी बालक बुद्धि है उसमें। बालक बुद्धि है, पूरा गांव में ढोड़ा से बटवा रखा है उनने। आज तू समझा दे उसे, और ना समझाया तो मैं समझाऊंगा उसे अच्छी तरह से। समझा दूंगी आज। ओ राहुल, इसे कैसे उठा, ये तो घोड़े बैठ के सो रहा है। राहुल अबे उठ जा, ये ऐसे नहीं उठेगा, जैसे एक चक्कर खींचते हैं। अबे मूवी लगी है, खड़ा हो, फर्स्ट शो फर्स्ट डे देख के आएंगे। खड़ा हो जा भाई, खड़ा भी हो जा। अरे यार कौन सी मूवी, अरे तू चल तो सही, अरे उठ तो लें दो, खड़ा हो यार, जल्दी कर, मूवी निकल जाएगी। अरे यार चल, कहाँ जाओगे? हेलो जीजा जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते जीजा जी, कल मैं आपके घर आ रही हूँ। हाँ जाओ, कोई नहीं, तुम्हारा घर है, आओ, क्या दिक्कत है? और दीदी से बोल देना। अच्छा, मेरे स्कूल की छुट्टी भूल गई है 2 महीने की। पेपर हो गए? जी हो गए। हाँ जो कोई नहीं, ठीक है, ओके बाय। आ गया भैया खेत पर से? हाँ माँ आ गया। जा एक गिलास पानी ला के दे भैया को, बैठ जा। माँ एक बात करनी थी। हाँ बता। वो मेरी साली आ रही है, मैं ये कह रहा था कि उसकी 2 महीने की छुट्टी पड़ी है, कुछ दिन रह जाती यहाँ पे, उसका मन लग जाता। कोई बात ना बेटा, जान दे, रह जाओगी, परेशान मत हो, आ रही है तो। वो स्कूल खत्म हो गया ना उसका, छुट्टियाँ पड़ी है। हाँ कोई बात ना, जान दे। कह रही मैं आ जाऊंगी घर पे मिलने। अब तो बढ़िया हो रही होगी वो। हाँ अभी उसने 12वीं के पेपर दिए हैं तो बढ़िया स्कूल जा रही है। तो एक काम कर, बाजार जा, ले रे 500 रुपया, बर्फी ले आइए और मटर पनीर ले आइए। माँ जी आज किस खुशी में मंगा रही हो? अरे आज तेरी बहन स्वाति आ रही है। अरे वाह, मुझे बताया तक भी नहीं उसने। अब बता दिया ना, अच्छा कुछ बना लिया है। मूली के परांठे लगा ले तू फटाफट। अच्छा, मटर पनीर बना ले, आज तेरी बहन आ रही है। ठीक है माँ जी। और मूली के परांठे बढ़िया करके बनाइए चटपटे से। ठीक है माँ जी। कैसी खुश हो रही है आज, इसकी बहन आ रही है तो। हाँ प्रधान जी, राम राम। ठीक है मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। राहुल है? हाँ क्या बात है भाई। अंकल जी राम राम। राम राम। अंकल जी राहुल 5000 रुपए लेकर आया था, उसने अभी तक ना पहुँचाए। तुझे भी दू 5000 रुपए और राहुल को भी दू? है जी हाँ। तुझे भी 5000 रुपए, निकल जाए यहाँ से। आ जा राहुल, कल देख लूंगा, 5000 रुपए दिए ना। तो मेरा नाकम दम कर रखा है बिल्कुल। राहुल तुझे बताता हूँ, पूरे गाँव में छोड़ दो, अभी से कैसे मार के छोड़ दो। मैंने तो मेरे नाम दम कर रखा है। मेरी क्या गलती है? आज थाली की चाबी तोड़ दूंगा। थाली में थाली बोला हट जा, तू मर जाएगी। अरे मां बचा, ये मान जा, मैं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा साले को। आज भी दिया इसने, काय को मार रहे हो, इसे क्या कर दिया इसने? 5000 रुपए ले आया ये। 5000 ले आया भाई, मैं तो छोरे से भी दुखी होली, क्या कर रहा है तू, इतने पैसे इनका है, कैसे करके मानेगा तू है? किसी से 10000 ले ले, किसी से 5000 ले ले, किसी से 2000 ले ले, तन्ने इतना सारा कर्जा हमारी छाती पे धर दिया करके है? तेरा कैसे लिहाज ना रहे? इंगे को देख ले मेरी ओर को, मैं क्या कह रही हूँ, उसे देख ले अमित को, कितना काम करे है वो,
वो खेती का भी करे और घेर में भी सारे डंगरों का वही करे। तेर से हद है बिल्कुल, तन्ने नाक में दम कर दे मारे तो है? तेरा अब जल्दी जल्दी ब्याह करूंगी तेरा, अब बांधूंगी तेरे पीछे काले सिर की, तू जब भी काबू में आवेगा तन्ना कर दे मारा जन्म दुखी। जब तुम खर्चे को पैसे देते ही ना हो, मैं क्या करूं, अपना खर्चा न चलाऊं मैं? इसके दिमाग में भरा है भूसा, अब समझाने का फायदा नहीं है इसको, ले जा मेरे आंखों के सामने से मरमरा जाएगा यू। मेरे पे क्यों गरम हो रहे हो, मैं क्या हूँ इससे सबसे उधार पैसे लिया, ले और मेरे पाले झड़े से तार लगो। तू ले जाए सामने से। चल रहा, तू खुद तो सुने मुझे भी सुनवा वे कम्मा खत, देर से दुखी होगी मैं तो। हे भगवान, इसका कुछ कर जिससे इसे बुद्धि आए थोड़ी सी। हाय दीदी। हाय। और कैसी हो? मैं ठीक हूँ। और घर पे? घर पे सब ठीक है। और मम्मी पापा? हाँ घर में मम्मी पापा सब ठीक है। और तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। घर में सब ठीक है? हाँ घर में सब ठीक है। और क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं चल रहा, तू बता। वो 2 महीने की छुट्टी भूल गई थी ना, इसलिए मैंने सोचा आपके पास आ जाऊं। अच्छा क्या तूने? और दीदी जीजा जी कहाँ गए? अभी अभी ना वो बाहर गए किसी काम से, आ जाएंगे थोड़ी देर में। ले बेटे एक काम कर, इसे साफ कर, मैं दूर रखवाता हूँ। राहुल। पिताजी राम राम। ये काम करवा ले थोड़ा, मेरे पेट में दर्द हो रहा। अरे काम होते ही तेरे पेट में दर्द हो रहा है? तेज दर्द हो रहा पिताजी, बर्दाश्त से बाहर जा रही है बात। अरे सुन तो इधर को, इधर को सुन ले। भाभी कौन है यू? मेरी छोटी बहन है। लगती तो ना है। ए मिस्टर, बोलने की तमीज है कि नहीं है? तू मुझे तमीज मत सिखा, भाभी समझा ले इसे। तुझे बहुत है, ऊपर नीचे देख रहा है। चुप। पता नहीं कहां से आई है गवार सी, चीपनी सी नाक ले रही है, अपना आपको ज्यादा स्मार्ट समझ रही है। शांत हो जाओ दोनों। अरे कौन है ये? कोई बात नहीं, वो छोटा देवर है मेरा, जैसे तू छोटी बहन है मेरी। इसमें अकल नहीं है क्या? अरे अकल है उसमें, बस थोड़ा शरारती है, घर में लाडला है ना वो, इसलिए थोड़ा शरारती है वो। ठीक है लड़ियो मत उससे बिल्कुल भी। ये तो खुद ही लड़के चला गया मेरे से। कोई बात नहीं, वो समझ जाएगा सब धीरे धीरे, तू रहेगी ना तो समझ जाएगा वो। बच्चों अभी तो मैं 2 महीने रहूंगी, अब मैं सिखाऊंगी तुझे तमीज। राहुल राहुल राहुल, अबे गांव में एक लड़की आई है, उसकी क्या चाल है और क्या गाल है, क्या माल है, क्या बाल है, क्या फिगर है, क्या नजर है, वाह बेमिसाल है। राहुल है? लड़की? क्या लड़की? लड़की ना, लड़की नहीं, मेरी बहन आई है। तो हम आएंगे नहीं क्योंकि दीदी को शॉपिंग करानी है। चल 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 चल। बेटे लड़की बता रहे हो, मैं भी तुम्हारा बाप हूँ। पिताजी गन्ने के पैसे नहीं आए अभी तक? बेटे अभी तक तो आए नहीं पैसे। चलो मैं पता करता हूँ एक बार। हाँ अगर आ जाए तो, मगर राहुल को मत बताइए। चलो पता करता हूँ मैं एक बार। ओ लाट साहब आ लिया? अब क्या कर दिया मैंने? क्यों तने बढ़िया बढ़िया काम करे काम में? पूरे गाँव में तूने हमारी बेइज्जती करवा रखी है, किसी से पैसे मांगता डोल ले। भैया ऐसी कोई बात ना, वे झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे है? तू बड़ा सच्चा, तुझे शर्म नहीं आई थोड़ी सी? माँ पिताजी के बारे में सोच, तूने पूरे परिवार की बेइज्जती करा रखी है, गम में ऊंट सा हो रहा है, कैसे कटेगी तेरी जिंदगी? थोड़ी शर्म कर ले, मान सम्मान बच्चा हमारे गाँव में बजा रहे अंधे। अब तो सुधर जा यार, कल को तेरा ब्याह होगा, कैसे तेरा गुजारा होगा? माँ पिताजी पे क्या गुजरेगी कभी सोचा तूने? शर्म कर ले राहुल, थोड़ी शर्म कर ले। अब यहाँ खड़ा क्यों है? अरे यू ना समझे, अरे किसे समझा रहा है ऐसे गधे को? अब यू ना सुधरे कभी भी? अरे सुधर जाएगा यू। अच्छा तो क्यों आया यहाँ पर? वो पिताजी, मेरे दोस्त का जन्मदिन है, मुझे 500 रुपए दे। देता हूँ तुझे अभी 500 रुपए।
₹500 दूं। सौरभ, सौरभ, वो सौरभ दिखाई नहीं दे रहा, सौरभ कहाँ गया? भैया वो घर पे है नहीं। अच्छा तो जब आ जाए तो बोल देना कि राहुल आया। ठीक है, बोल दूंगी। ठीक है। अरे वो भैया, आपके घर पे एक डब्बी रह गई थी हमारी। डब्बी? हाँ। जो डब्बी का काम भी हमारा है क्या? तेने सोच कैसे ली कि मैं तेरी डब्बी लेके आ जाऊंगा? तेरे ढोबरे हम ढोएंगे क्या? पागल है क्या? औकात से ज्यादा कम। ठीक है, बहुत हो गया ड्रामा। जा जा। ए फालतू मत बोल, आ रही हूँ तेरे घर पे। अच्छा ठीक है, आ जा। ठीक नहीं, आ रही हूँ। इसे ऐसा कैसे देखन लगे? राहुल जी, पिताजी इधर आ, जल्दी आ बाल्टी भर। पिताजी मेरे पेट में दर्द हो रहा। जल्दी भर। अरे कर ले, तेरे पिताजी कह रहे हैं तो। चल शर्मा मत ना, नल खींच, चल पानी पिला भैंसों को। तुम भी आराम से कह लो, कर तो रहा है। देख कैसा नल चला रहा, ढंग में हो जा, ढंग में। ऊपर को के देख रहा हूँ उठा के। यू तो भर दिया पिताजी। चल पानी पिला। अरे अच्छी तरह उठा ले। उठा तो रहा बेचारा, क्यों जुम्मा हो रहे हो? उसके बाद गोबर उठा। गोबर भी उठा लेगा, क्यों आप हतार रहे हो? ये ले पकड़। अरे हरामी मत मान, पकड़ ले, गोबर उठा। मेरे पे ना उठा गोबर। सारा गोबर उठाना, सारा गोबर। आज तुझे काम करना सिखा दूंगा। अच्छा फसाद, पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। अरे मां देख ले तू, ये ऐसा कर रहे हैं मेरी गैल। अरे कर ले, नहीं तो ये कहते ही रहेंगे। मेरे पे गोबर उठ रहा। तेरी माई उठाती रहेगी हमेशा, हैं? तो सारा घेर साफ कर दियो। फिर मेरे हाथ सन जाएंगे। जल्दी कर। हे भगवान। तुम पे नहीं होने का। उठाओ उठाओ गोबर उठाओ। इरा सारे उठा ले सा। बस चाची समझा ले अपने लड़के को। ठीक है, के कर दिया उसने? अब के कर दिया, मेरे घर पे आया था वो उल्टी सीधी कर दे, एक डब्बे को गई थी मैंने उसे। भाई मैं तो छोरे से दुखी होली। डब्बा चल, तू डब्बा ले जा, आ जान दे उसके पिताजी को, आज ठीक करवा दूंगी उसे। समझा लेना उसे। भाई मैं तो छोरे से दुखी होली। यार पता नहीं चंदू कहाँ रहेगा, बहुत दिन से दिखाई भी नहीं दिया। आज तो टाइम से पहले बैठा हूँ अड्डे पे। ओए लगाया ही शिकायत? हाँ लगाया ही तेरी शिकायत, घर जा। अच्छा तेरे बाप से कहकर आई हूँ। ठीक है, जा फांसी दिवा लियो मेरे को। ठीक है, घर पता चलेगा तुझे। मैंने डरता अपने बाप से भी, कभी सोच रही हो? बेटा डर का तो घर पता चलेगा। अबे ये कौन दुबक के जा रहा? आई, आई। नजरे चुरो रहा, दिखाई नहीं दे रहा मैं तुझे। अरे भाई क्या हो गया, वहाँ कहाँ जा रहा? देखा लड़की जा रही है, वो मस्त लड़की। लड़की मस्त जा रही है? हाँ देखना। तुझे पता हम किसी को पीट दें, नुकसान कर दें, लड़की से तो हम बहुत दूर रहे। एक वो ही, मैं उससे ही बहुत परेशान हूँ। किससे परेशान है भाई तू? अरे वो अमित की साली आई है, इतना जीना हराम कर रखा, सारे घर में पूरा लाड प्यार बिखेर रखा। ना बाप समझ रहा, ना माँ समझ रही, सारा दूध भी उसे ही प्यारे, सब काम उसी के लिए कर रहे हैं सारे के सारे। हमारी ना इज्जत अब यहाँ पे। ठीक है चल, तो फिर भाई जी तेरी दोस्ती के लिए छोड़ देंगे तेरी लड़की। बस तो फिर दोस्ती पक्की जब ही है मेरी, अगर लड़की से दूर रहेगा तो। लड़की से तो मैं बहुत दूर रहूं। ठीक है ठीक है, चल तो चल फिर। चल तो चल फिर। अबे यहाँ ना, यहाँ चल, देख तो शरीफ बन जा मेरी तरह। हाँ बन जाऊंगा। स्वाति ले बेटा दूध ले। नहीं 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 मुझे, मेरा मन पी ले। नहीं मैं दूध पीती नहीं हूँ। ले पी ले। तेरे मम्मी पापा कैसे हैं? हाँ मेरे मम्मी पापा ठीक है। पी ले। और तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? सही चल रही है। पढ़ ले अपना ध्यान लगा के, दूध पी ला कर। शर्मा कर मत ना, तेरा ही घर है। सारा दूध मेहमान उनको पिला दियो।
हमारे लिए मत रखियो। अरे तू भी पी लिए, मेहमानों का आगे ऐसी बात ना करते, तू तो पता ना कैसा होता जा रहा। सुधर जा सुधर जा। कभी कहिए तुमने दूध को, दूध पी लियो। चल ला रही हूँ, तू पीने वाला चाहिए तुझे फुर्सत ही ना बाहर घूमने से। हमें तो अब झेरी पीना पड़ेगा, यू ही हो रही है अब घर की मालकिनी। माँ जी हमेशा गर्म क्यों रहते हैं? ए तो बुरा मत मानना करियो, है ही ऐसा। दीदी एक बात पूछूं, तुम्हारे देवर हमेशा नचड़े से क्यों रहते हैं? नहीं तो ऐसे तो कुछ नहीं है, हर समय गुस्सा, जब भी बोलते हैं ना हमेशा चिल्ला के बोलते हैं, वो कभी प्यार से नहीं बोल सकते हैं? नहीं हम सबसे तो प्यार से बात करते, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपसे भी ऐसे ही बोलते हैं? नहीं तो फिर मेरे से क्यों चिल्ला के बोलते हैं, कभी प्यार से नहीं बोल सकते मेरे से? नहीं हमारे घर में तो सबसे प्यार से बात करते हैं, मेरे से भी प्यार से बात करते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आज ऐसा करियो, आज खाना तू बनाइयो। उन्हें क्या पसंद है? उनको मटर पनीर बहुत पसंद है। ठीक है दीदी, आज खाना मैं बनाऊंगी। भाभी भाभी खाना बहुत अच्छा बनाया आज। अच्छा सब्जी बहुत अच्छी बना। अच्छा मैंने नहीं, आज स्वाति ने खाना बनाया था। इतना भी अच्छा ना? हाँ कोई बात नहीं, वो ऐसा ही है। इंतजार करूंगी छत पर, आ जाना। मैं नहीं आऊंगा। आना जरूर, इंतजार करूंगी तुम्हारा। पता नहीं आएंगे भी कि नहीं आएंगे, बोल तो दिया है मैंने, कहाँ रह गए पता नहीं। इतना टाइम हो गया है, 11 भी बजने जा रहे हैं, इतनी रात हो गई है। आएंगे जरूर जब मैंने बोला है, मैं इंतजार करती रहूंगी, मेरा दिल कहता है वो आएंगे जरूर। पता नहीं कहाँ रह गए, इतनी ठंड भी लग रही है, इतना टाइम होने जा रहा है। भाभी? हाँ क्या हो गया इसके? तुम्हें क्या फिकर है मरे कोई जिए, तुम्हें क्या मतलब है किसी से? हो क्या गया? इसी से पूछ लो क्या हो गया। स्वाति क्या हुआ तुम्हें? मैं आपका इंतजार करती रही छत पर, आप नहीं आए। मैंने पूरी रात इंतजार करा, उसी का नतीजा है ये, पर आप नहीं आए। तुमने मेरा इंतजार क्यों किया? पागल हो क्या? ये सब गलत है। मौसी जी लाओ मैं सब्जी काटूं। मैं कर लूंगी छोड़। अरे लाओ माजी, करने दो, दो दिन बाद ही चली जाएगी। हैं स्वाति जा रही है तो? हाँ मौसी जा रही हूँ। अच्छा जी लग रहा है, एक महीना बीत गया तेरे उसमें पता ही ना चली टाइम की, यहीं रह मत जा। मौसी जाना तो पड़ेगा और स्कूल भी खुल गए हैं। जल्दी काट दे, मोटे मोटे बुरका काट दे। चाय बन रही है, चाय पी लो एक कप। दीदी मेरी उंगली कट गई। क्या हो गया? दीदी मेरी उंगली सब्जी देख के नहीं काट सकती थी? सही से तो काट रही थी पर गलती से चक्कू लग गया। भाभी क्या हो गया? इसका हाथ कट गया है। हाथ कट गया तो पट्टी बांध दे।
मेरे हाथ आटे में सन रहे हैं। वह यू काम भी हमें ही करना पड़ेगा। बहुत दर्द हो रहा है दीदी। वही इनके काम भी हमें ही करने पड़ेंगे। यू आई है महारानी। भाभी चलो मैं बांध दूं, कोई बात ना। बांध देना पट्टी। ला दिखा कहाँ लगी। हमेशा चिल्लाते ही रहते हो, कभी प्यार से भी बोल सकते हो। थैंक यू। थैंक यू की बात नहीं है, ध्यान से काम किया करो। देखो मैं जल्दी चली जाऊंगी, पर मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम बहुत अच्छे हो और दिल के साफ भी हो। आदत भी तुम्हारी बहुत अच्छी है, पर मम्मी पापा की भी बात मान लिया करो। वो तुम्हें अच्छे के लिए समझाते हैं, तुम्हारे घर में सब लोग तुम्हें अच्छे के लिए समझाते हैं। ये आप जो काम करते हैं ना, ये तुम्हारे काम नहीं आएंगे। अगर मम्मी पापा समझाते हैं ना, वो तुम्हारे अच्छे के लिए समझाते हैं। मेरी बात का ध्यान रखना और हाँ अपना ख्याल रखना। आह, अरे माँ मेरे तो पैर में चोट लग गई। क्या हो गया? पैर में मोच आ गई। लाओ मैं कर देता हूं। आ! बहुत दर्द हो रहा है, रहने दो। मुझे उतार दो, मैं चली जाऊंगी, ऐसे अच्छा नहीं लगता। राहुल, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरी कोई गलती नहीं है भैया। मैं सब जानता हूं तेरी चालाकियां। तेरे पैर में क्या हो गया? वो सीढ़ी से चढ़ रही थी तो पैर में मोच आ गया। अच्छा, आज तो तुझे जाना भी था ना? हाँ दीदी, कोई बात नहीं, मैं आज ही चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, तेरे जीजा जी छोड़ी आएंगे। नहीं दीदी, घर पे मम्मी पापा सब अकेले हैं ना, और उन्हें मेरी याद भी आ रही है। कोई बात नहीं, तेरे जीजा जी छोड़ ही आएंगे। दीदी, जीजा जी ना राहुल पे बहुत गुस्सा कर रहे थे। वो जीजा ने मुझे देखा ना, तो इसलिए वो गुस्सा कर रहे थे। पर दीदी, राहुल की कोई गलती नहीं थी, जीजा ने ना उसे बेवजह थप्पड़ मार दिया। क्या? चल मैं बात करूंगी उनसे। आप काम में इतने बिजी रहते हो, आपको कुछ पता भी है घर के बारे में? क्यों, क्या परेशानी रह गई है? आपने आज राहुल को चाटा क्यों मारा? उसने स्वाति से शरारत करी, उसके पैर में लग गई तो मार दिया। स्वाति खुद जीने से गिर गई थी, उसको लेके आ रहे थे राहुल। कम से कम देख तो लिया करो, पूछ तो लिया करो। अरे यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। राहुल की कोई गलती नहीं थी। वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? पता नहीं। चलो कोई नहीं, छोटा है, मैं समझा दूंगा। चाची राम राम। चाची राम राम। बेटा राम राम।
बैठ भाई। चाची राहुल कहाँ है? राहुल बेटा पता ना, यही होगा कहीं। कई दिनों से मिला नहीं हमें भी, बहुत दिनों से हम उसे देख रहे हैं। अब तो काम वाम में लगा रहा है, अब पता ना उसे क्या हो गया, उदास सा रह वह। उदास रह वह? हाँ, तुम्हें पता उसके बारे में? नहीं कुछ? चाची हमें तो कुछ नहीं पता, कई दिनों से हमें खुद नहीं मिला, हम उसे खुद ढूंढ रहे हैं। पता ना उसे क्या हो गया, उसी की चिंता लग रही है मुझे। बाट देख रही हूँ बैठी भाई, देखियो कितनी ठंड पड़ रही है। वैसे कुछ पता है कहाँ गया है वो? बता के ही ना गया कुछ। ठीक है चाची, अभी तो हम चलते हैं, अगर कुछ भी पता चलता है तो हम आपको बताते हैं राहुल के बारे में। चलो ठीक है बेटा। ठीक है चाची, राम राम। राम राम। पता ना भगवान इस लड़के का क्या होगा। राहुल ना अच्छा है, और उसके घर वाले कितना नोकझोंक करते हैं। शरारती ज्यादा है, पर वो दिल का बहुत अच्छा है। जब से मैं वहां से आई हूँ ना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता, पता नहीं क्यों इतनी याद आ रही है। स्वाति बहुत अच्छी लड़की है, हमारा लड़ना झगड़ना प्यार में बदल गया, पता ही नहीं चला। मैं उससे इतना लड़ता था, मैं गलत था, वो सही थी। कभी उसकी कदर नहीं करी, कभी नहीं सोचा उसके बारे में, और वो बेचारी मेरे बारे में सोचती रही। मन भी नहीं लग पा रहा, लो भैया ये लो, मैंने दूध निकाल दिया और मैं भैंसों को पानी दिखाया हूं। अरे अमित, मैं क्या देख रहा हूँ? पिताजी देख तो मैं भी रहा हूँ। मैंने कहा था ना एक दिन आपको, जिस दिन जिम्मेदारी आएगी उस दिन राहुल जरूर सुधर जाएगा। अब ये सुधर चुका है और ऐसे ही काम करेगा, आप चिंता ना करो। चलो ठीक है। सुधर तो गया कम से कम। राहुल। हाँ माँ। ले बेटा रोटी खा ले। ना माँ, मेरे जी ना कर रहा। क्यों ना खा रहा, के बात है? बस ऐसे ही मेरे जी से लग रहा, मन सा ऐसे ही हो रहा। जी ना लग रहा, क्यों? ले जा तू इसे।
और रोटी तो खा, के बात है मुझे पता। बस मेरे मन से ही ना लग रहा। क्यों ना लग रहा मन? पैसे चाहिए तुझे? माँ पैसे की भी बात ना है, है? बस मन से ही ना लग रहा। अब तो तन्ने काम भी सारा कर दिया, पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगी। ना तेरे पिताजी ने कुछ कह दी? ना पिताजी ने भी कुछ ना कही। फिर तेरी माँ हूँ, बता बेटा क्या बात है, है? माँ जब से स्वाति गई है जी से ही ना लग रहा। मैं गलत समझता था पर वो बहुत अच्छी है। तुझे पसंद है वो? हाँ माँ मुझे है? पसंद है। तन्ने जब से क्यों ना बताई मुझे ये बात? उसके पिताजी ने तो कई बेरा कह ली फोन करके रिश्ता कर लो तुम अपने राहुल का। मैं तो तेरे मारे ना करे ही, हाँ काम ही ऐसे कर रहा उल्टे सीधे, अभी ना करूं। चल यू बात है तो ले तेरे पिताजी से बात कर लूंगी। चल तो गुस्सा तो तेरा उसी से करवा दूंगी, तन्ना भली चलाई। रोटी खा चल ले। ले खुश रह, हंसा खुशा रह। तू पहले अच्छा लगा करा, खिलखिलाता आया एकदम मुरझा रहा, देखे चेहरा कैसा कर लिया। तेरे पिताजी से बात करूंगी, चिंता मत कर, खा ले रोटी खा। तेरी खुशी में मेरी खुशी है, तू खुश है तो मैं भी खुश हूं। राहुल तू नहीं सुधरेगा, ये भी काम हमें करना पड़ेगा। अब क्या कर दिया मैंने? क्या किया? खुश है? है मैं कह रही थी ना बुलवा दूंगी स्वाति को। चल ठीक है, अब दुनिया का कोई भी माँ बाप नू ना चाहे कि हमारे बच्चे दुखी रहे हैं। अरे तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है, तुम खुश रहो, जीते रहो बने रहो, तुम्हारी लंबी उम्र करे भगवान। दूध नहाओ पूतो फड़ो।